नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आपको याद होगा कि करण जौहर और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें खुद डायरेक्टर की तरफ से यानी कि करण जौहर की तरफ से ये कहा गया था कि एक वक्त था जब वो अनुष्का का करियर पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे। करण के इस बयान को लेकर कंगना रनौत और अपूर्व असरंदानी और विवेक अग्नोत्री समेत जैसे जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें क्रिटिसाइज जो है वो कर चुके हैं। विवादों के बीच करण ने एक पोस्ट जो है वो शेयर किया, जिसके बाद वो सभी पर कटाक्ष यानी कि निशाना साधते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद कंगना रनौत की तरफ से भी एक पोस्ट जो है वो सामने आता है। इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि इशारों ही इशारों में उनकी तरफ से लिखा गया है कि जितने इल्ज़ाम लगा लीजिए वो हारने वालों में से नहीं है। लोग भले ही जितने झूठ बोलें मगर वो शांत रहेंगे। लोग भले ही उन्हें नीचा दिखाएं, उन पर आरोप लगाएं, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और इसके बाद कंगना रनौत की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चलता है हमेशा, और कंगना रनौत की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें लिखा हुआ है कि इस चाचा चौधरी को बस यही एक काम है। इससे पहले भी कंगना इस मौके पर करण के खिलाफ अपनी भड़ास जो है वो निकाल चुकी हैं। दरअसल करण को ये पोस्ट क्यों लिखना पड़ा, क्यों करण इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में? करण जो है, दरअसल सबसे पहले आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा, हालांकि कंगना तो हमेशा ही आरोप लगाती रहती हैं उन पर और अपनी बात रखती रहती हैं, प्रियंका चोपड़ा का भी एक इंटरव्यू जहां पर वो खुलकर बात करती हुई नज़र आई थी। हालांकि उन्होंने करण जौहर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कैसे साइडलाइन किया गया था, मुझे मूवी माफिया का उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि कैसे एक पूरी लॉबी चलती है, जिसको चाहे आगे बढ़ाते हैं, जिसको चाहे नहीं आगे बढ़ाते हैं। तो उसको लेकर करण जौहर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और कैसे नेपोटिज्म को लेकर उन पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहते। इसके बाद उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया और फिर कंगना रनौत की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि बस इस चाचा चौधरी को बस यही एक काम है। अब देखना ही होगा कि कंगना ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन अब करण जौहर इस पर क्या जवाब देते हैं या क्या उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है, क्योंकि बड़े ही दिलचस्प ट्वीट वो करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कैप्शंस लिखकर वो लोगों को समझाते हैं और सटायर जो वो मारते हैं। देखना होगा कि अब क्या कंगना करण जौहर की तरफ से सामने आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर लिखें।